फाइवर, फाइवर पे ना फ्रीलांसिंग टूल्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, किसी पे बना लेना, एक फाइवर पे आपको बना के देखते हैं। तो आपने इसमें ना अपना वो वीजू का और ऑटो कैड का ना एक गिग बनानी है, ठीक है, एक बना के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह आप बना के नेक्स्ट टाइम लानी है बना के, ठीक है। और ये कीबोर्ड पे ना रखें, अच्छा फाइवर लिखें इधर, फाइवर फी एफ आई वी वी एफ आई वी ई क्या होता है वी डबल आर, ठीक है, फाइवर लिखेंगे और गूगल पे जाएं और ये fiverr.com, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसमें साइन इन करना है हमने पहले या ज्वाइन करना है, साइन इन तो बना ही होगा, फेसबुक से कंटिन्यू कर लें या गूगल से कर लें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, ठीक है। तो गूगल से किया, फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट ले लें आप गूगल से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, अच्छा ये गूगल से ये आ गया, ठीक है, ये मैंने गूगल से डायरेक्ट किया। तो वरना ज्वाइन करेंगे तो वो फिर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, न्यू अकाउंट डालेंगे, डायरेक्ट किया तो ये इस तरह की प्रोफाइल आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके अंदर ना आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, क्लिक करने के बाद आप अच्छा प्रोफाइल में ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो आपने ये करना है कि ये आपने फॉर एग्जांपल इधर किधर है, अच्छा गिग लिखा हुआ है, हाँ ये देखें गिग पे जाएंगे तो क्रिएट एक न्यू गिग, अच्छा इसमें ये पूछेगा अगर फॉर एग्जांपल आप क्रिएट गिग भी आ सकता है कि इसमें वो पूछेगा पहले प्रोफाइल गिग पे क्रिएट क्लिक करें तो वो पूछता है कि पहले प्रोफाइल मुकम्मल करें, उसमें अपना फोन नंबर डालें, मतलब हर चीज उसमें एंटर करें, ईमेल करें, उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप कर लेना, ये मेरा तो चले आ गया चूंकि मैंने फोन शोन पहले डाला हुआ है, एक दफा किया था इस तरह, ठीक है, तो इसलिए आ रहा है। वरना इस पर क्रिएट अ गिग करेंगे तो आप इसमें वो अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करेंगे, पहले उसके अंदर अपना नाम, अपनी इंट्रोडक्शन, सारा वो 500 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, वो सारा आपने डालना है। उसके बाद क्रिएट गिग में जाएंगे, क्रिएट अ न्यू गिग, न्यू गिग में जाके आपने, अब आप देखें ये गिग टाइटल आ जाएगा, आई विल डू समथिंग, मैं क्या करूंगा। इसके लिए अगेन आप फाइवर खोलें, इसका राइट क्लिक, एक फाइवर और खोल लें इसी तरह ना, और फाइवर में ना आप ये करें कि इधर ना फाइवर में जाके तो आप इधर सर्च किधर है बोला, इसको साइन आउट कर लें इधर डैशबोर्ड में जाएं, फाइवर के नहीं वो सर्च करना है, मैंने गिग लोगों के गिग जो लोगों ने बनाया हुआ, अच्छा क्विक सर्च, ये क्विक सर्च में गया, इसमें मैं लिखता हूँ ऑटो कैड फॉर एग्जांपल, ऑटो कैड और एंटर करता हूँ, ये डिफरेंट भी हो सकता है, हाँ ये इधर आ गया, आप ऑटो कैड लिखते हैं, ऑटो कैड, अच्छा चलें इसमें लिखते हैं किधर डैशबोर्ड में, मोर में गए थे और मोर में नहीं इधर क्विक सर्च में गए थे, क्विक सर्च में ऑटो कैड लिखते हैं, हेल्थ सेंटर में बल्कि डिस्कशन फोरम करते हैं, ये डिस्कशन फोरम्स नहीं वैसे सर्च कर लें, वैसे अभी लेता हूँ मैं आपके पास, आप थोड़ा आखिर में लेते हैं, ठीक है, अच्छा इधर ऑटो कैड किधर है वो, मेरे ख्याल से ऊपर सर्च करना पड़ेगा ऑटो कैड और
ठीक है इस तरह सर्च कर लेंगे आ गई है ठीक है। अच्छा इधर अगर हम लिखे हैं दोबारा लिखे ऑटो कैड नहीं आईडी पे बस ट्राई करते हैं ना अभी से शुरू कर लेते हैं। अच्छा ये ऑटो कैड आ गया ये देखें गिग आ गई इसमें देखें कीवर्ड्स आप वो बता रहे हैं आपको ना ये कीवर्ड्स हैं जिसे लोग सर्च करते हैं ठीक है। तो आप इनमें से ऑटो कैड ड्राइंग है ऑटो कैड है ऑटो कैड 3D है PDF टू ऑटो कैड है ऑटो कैड 2D है फ्लोर प्लान अभी हम 2D कर रहे हैं AutoCAD ड्राफ्टिंग है AutoCAD है सिर्फ AutoCAD इलेक्ट्रिकल है तो आप AutoCAD इलेक्ट्रिकल का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये कीवर्ड ऐसे हेल्प मिल जाएगी आपने क्या लिखना है ठीक है। अब फाइबर में जाएं गिग करनी है अच्छा गिग में हमने ये तो कीवर्ड्स हो गए ना अच्छा उसके बाद ये देखें नीचे जो पांच है पहली दो तीन है ना उनको आप सिलेक्ट कर लें वो टॉप की है समझे। आई विल मेक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2D 3D CAD ड्राइंग इन AutoCAD SolidWorks ये SolidWorks भी एक सॉफ्टवेयर है वो भी यूज करते हैं तो ये वो करते हैं ठीक है। और दूसरा जो है वो कह रहा है कि आई विल कन्वर्ट पॉइंट क्लाउड टू रिवेट मॉडल एंड 3D CAD फाइल्स ये इस तरह का काम है। दूसरे ने कहा ये इन तीन चार को पढ़ें और अपना बना दें ठीक है इन्हीं को कॉपी पेस्ट करें बस थोड़ा चेंजिंग करें और अपना बना दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को करता हूँ कॉपी ये अभी कॉपी नहीं होगा इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आई विल मेक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हाँ मैं भी लिख देता हूँ आई विल मेक आई विल वेल इंडस्ट्री लेवल 2D 3D ड्राइंग बस ठीक है 2D 3D ड्राइंग लिखते हैं 2D 3D बताइए ना ड्राइंग इन AutoCAD ठीक है मैंने AutoCAD लिख दिया है। इसके पास कैटेगरी करनी है कैटेगरी में क्या आएगा वाला अच्छा इसमें कैटेगरी ना पता चले तो उधर ही जाके उनका देखें किसी एक का ओपन करें और उसमें देखें उसने कैटेगरी क्या लिखी है ठीक है। इसने कैटेगरी लिखी है जनाब इसमें इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन में लिखा है और 2D ड्राइंग लिखा है ठीक है हाँ ग्राफिक डिजाइन में गया है वेरी गुड। तो ये देखिए ग्राफिक डिजाइन में जाएं यहाँ आप ग्राफिक डिजाइन में और इसके बाद सब कैटेगरी जो है ना यहाँ से देख लें कि इसने इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन और 2D ड्राइंग लिखा है तो हम भी इधर यही लिख लेते हैं क्या था इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन में जाते हैं किधर गया सर्च भी नहीं हो सकता ना ये चक्कर है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन और उसके बाद मैंने क्या करना है 2D और 3D मॉडलिंग ठीक है तो मैं 2D कर लेता हूँ और आप 3D भी कर सकते हैं अगर दोनों ही करनी है तो फिर आप ये ना करें मेरे ख्याल ना 2D अच्छा उसके बाद क्या कहता है कि ये फॉर्मेट है आपका ये क्या है ड्राइंग टाइप किस चीज़ की बनाएंगे आप ठीक है तो आप बनाएंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल अप्लायंसेस मशीनरी इंडस्ट्रियल वाली किधर है हाँ मशीनरी अप्लायंसेस हो गई है इसमें क्या कौन सी की है मशीनरी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट लिखा है हम भी यही लिखते हैं ठीक है ना पता बस काफी अप्लायंसेस ऑटो बल्कि टैग जो है ना आप इसके भी देख लेने चाहिए इसके इसने क्या लिखे हैं ये देखें इसके टैग जो होंगे ये देखें इसने ये ड्राइंग का टैग है यही कॉपी कर लें कॉपी हो जाए पांच आप कर सकते हैं तो टैग आप पांच इधर लिख दें ठीक है पहले ड्राइंग और कॉमा मेरे को डालना पड़ेगा 5 टैग यूज लेटर्स एंड नंबर ओनली हाँ इसके बाद आपको हाँ वेरी गुड और उसके बाद आपने कैड करना है कैड आ गया उसके बाद आपने ऑटो कैड करना है उसके बाद आपने 3D करना है 3D डिज़ाइन उसके बाद आपने 2D मॉडल करना है 2D करना है फॉर एग्जांपल 2D नहीं है हाँ 3D मॉडल्स बस ठीक है ये आ गया आपका सही है सेम है कंटिन्यू अब वो कह रहा है कुछ रह गया क्या रह गया वो तो हो गया नहीं फाइल फॉर्मेट मतलब ये हो गया अच्छा अच्छा हाँ वो होगी आपकी हाँ इधर है लिखी हुई कुछ
पीडीएफ में भी दे देते हैं, तो आखिर में तो उसका पीडीएफ होता है, बस उधर से देख लीजिएगा क्या है, ठीक है, मैंने दादा लगा दिया। इसके बाद आगे चलते हैं ड्राइंग टाइप में, पेटेंट ड्राइंग, प्रोडक्ट स्केच, प्रोडक्ट स्केच ही है, स्केच ही आ जाएगा। इसने क्या लिखा है वैसे, इसने क्या लिखा है, ये देखें फाइल फॉर्मेट, इसमें जेपीजी, पीडीएफ और स्टेप लिखा है, आप भी यही लिखें। और ड्राइंग में पेटर्न ड्राइंग लिखी है, प्रोडक्ट स्केच है और प्रोडक्ट समरी है, ये सारे आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सारे लिख रही हैं इसने, ठीक है, आप ये जेपीजी भी है और दूसरी तीसरी क्या थी वो भी डाल देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे जाएं, अदर को छोड़ें और लिखना पड़े, सेव करें, सेव करने के बाद आगे जाएंगे तो नेक्स्ट होगा आपका अच्छा हो गया, यस। अच्छा, प्राइसिंग है, प्राइसिंग में बेसिक है, तो आप इधर से ऑफर पैकेज जो है ना यहाँ सेलेक्ट कर लें, और ये बेसिक, एक बेसिक रखें आप, और एक स्टैंडर्ड रख लें, उसका नाम भी स्टैंडर्ड ही रख लें, और प्रीमियम रख लें, ठीक है। इसमें आपने बताना है आप बेसिक, फॉर एग्जाम्पल इसने कितना, ये देखें बेसिक इसने रखा है कि इंट्रो डील सिंगल टू डी विद इन 24 आवर्स, ठीक है, इसका बेसिक है इसने, इसका बेसिक का इसने कुछ इधर नहीं लिखा, अच्छा यही है ना, सेव अप टू, अच्छा ठीक है यही है बस, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आप अपना लिख लें, ठीक है। और इसी तरह आप स्टैंडर्ड कार्ड यहाँ से लें और इधर से कॉपी करें और इधर आप उसका पेस्ट कर दें, पेस्ट आप थोड़ा चेंज करना है इसको सारा, वो सेम करेंगे तो मेरे ख्याल वो पकड़ भी लेते हैं वो फिर आप हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपने प्लेजरिज्म नहीं डालना। डिलीवरी टाइम इसका 1 डे रख लें, इसका 3 दिन है फॉर एग्जाम्पल, और इसका 7 दिन है। नंबर ऑफ ड्राइंग्स इसमें कितनी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 ड्राइंग आप देंगे मैक्सिमम, वो मॉडी 200, तो आप थोड़ा काम रखें ताकि आपकी तरफ कोई बंदा भी आए, आप 50 रख लें, ठीक है, बाकियों की देखें कितनी आप उससे थोड़ी काम रखें, 30 रख लें, ठीक है, और इसकी 50 रख लें और इसकी 100 रख लें, ठीक है, इस तरह बाकियों से काम रखें ताकि कंपिटेटिव प्राइस हो। अच्छा, ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, एडिशनल 2D ड्राइंग, एक्स्ट्रा फास, ये एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, हम नहीं करते, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आ गया, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कुछ, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ये देखें इसने लिखा हुआ है, ये देखें इसने क्या लिखा है, अबाउट द गिग, ये अबाउट द गिग, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने कहना है कि मेरा ये इंट्रो, ये सैंपल सर्वे, सारा कुछ, ये 3, 4, 5, 6 का कॉपी करें, उसमें से जो आपके काम की चीज़ें हैं सारी वो करके इधर पेस्ट कर दें, ठीक है, तो ये आपकी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, सारी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप वहाँ से जो चीज़ें रिलेटिव एलिमेंट है 3, 4, 5 से लें और वो डाल दें, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आपने ये हो गया, आगे क्या यार किधर गया, उसे क्लिक वाला, अच्छा ये है, ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी करना चाहेंगे कि लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं आप इधर ही ऐड कर देंगे ताकि वो आपको बार बार आंसर ना करना पड़े, तो कर सकते हैं, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि ऐड न्यू क्वेश्चन, तो नहीं करना, यू मस्ट ऐड एटलीस्ट 1 रिक्वायरमेंट, 1 न्यू क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज क्वालिटी, वो कहना भाई लिख रहे, वैसे इसने क्या लिखा, उसने वैसे लिखा है, इसने क्या लिखा यार, कुछ इसने लिखा होगा, इधर चले, इसने नहीं लिखा क्वेश्चन, वैसे कमल से ही है, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ योर ड्राइंग, ठीक है, नीचे लिखेंगे आप, फ्री टेक्स्ट है, ऐड करें, अच्छा हाँ, ये उससे पूछना है मेरे ख्याल ना, रिक्वायर्ड नहीं, हाँ यस, ये आप उनसे क्वेश्चन पूछेगा, हाउ वाज माय ड्राइंग फॉर एग्जांपल, हाउ वाज माय ड्राइंग, चलें बहरहाल ये आप कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद वो कहता है हाउ टू गेट फ्रॉम योर गिग इमेज, ये गिग इमेज है, गिग इमेज ये गैलरी है, ठीक है, इसमें गिग जो आपने बनाई हुई ना 2-3 ड्राइंग, उसके सैंपल आप जो है ना यहाँ से वो करते हैं, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं तो फॉर एग्जाम्पल यही कर देता हूँ, जो है वो फॉर एग्जाम्पल यही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो है वो इधर से इमेजेस आपने कर लेनी है, वीडियो भी बना सकते हैं, 1 वीडियो आप जो है ना इधर ब्राउज कर दें, ताकि आपने वीडियो में आपका
वीडियो आपकी होनी चाहिए तकरीबन कितने की, एक मिनट की, वन मिनट, बल्कि 30 सेकंड की हो वैसे ना, 30 सेकंड में इंट्रो करवा दें, टाइम नहीं है लोगों के पास। अच्छा ये करके डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हैं यहाँ से, पीडीएफ यहाँ अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पीडीएफ है, ये मैंने ये कर दी, फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल वो कह रहा है बड़ा हो गया, ठीक है तो छोटा करें डॉक्यूमेंट, ठीक है ये बड़ा है, आई डिक्लेयर करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपने क्या करना है कि सेविंग गिग, ठीक है सेविंग योर गिग, अच्छा ये हो गया, ठीक है लोडिंग पब्लिश गिग, अब उसके बाद ऑलमोस्ट डन, पब्लिश गिग करें आप, पब्लिश गिग पे जाएंगे तो ये पब्लिश होगी, योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, ठीक है। अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा, अगर तो मैं देखता हूँ कि प्रोफाइल में जाके मैं देखता हूँ, इधर से आप शेयर भी कर सकते हैं, देखें आप गेट टू अप टू 100 वो कह रहा है रेफर एंड गेट अप टू $100, तो आप रेफर भी कर सकते हैं इधर से, फॉर एग्जाम्पल ये देखें रेफर कॉपी करें, और इधर आपके पास व्हाट्सएप है तो इधर जाना बच्चों को शेयर कर दें, सही नहीं। ये आप इस तरह जो है ना वो ये जो है ना आप अपने को इधर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो इस लिंक के जरिए ज्वाइन करेगा आपको उसका हो सकता है। अच्छा इसमें प्रोफाइल में जाएं, प्रोफाइल में जाके आपने ये देखें, अब आपने इधर देखें गिग बनाई है मैंने, तो ये देखें दूसरी गिग आ गई है वाली, $30 है स्टार्टिंग, आई विल मेक इंडस्ट्री लेवल ड्राइंग इन ऑटोकैड, ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप आके आ गई, तो लोग आपसे रब्ता करेंगे, कोई भी रब्ता करे आपका, तो ये देखें इसको आप जो है ना वो इस तरह आपने एक ऑर्डर लेना है वीजियो का, एक ऑटोकैड जब तक एंड होगा हमारा सेशन, यानी 16 वीक तक कम से कम, चाहे $5 के लें चाहे फ्री करें, इधर ही ऑर्डर आए, ठीक है कोई एक ऑर्डर लेके इधर आप उस पर फाइबर पे या अपवर्क पे या उस पर फ्रीलांसर किसी पे भी कर लें, फाइबर पे कर लें, जैसे क्या करें एक ग्रुप में एक भी आ जाए तो वो डिपेंड करेगा कि आप अगर कोई एक भी ले लें तो ठीक है, क्योंकि अभी इनिशियल है ना, रिलेटिव होगा ना, अगर एक बंदा एक ग्रुप में कोई अच्छा ऑर्डर ले लेता है $50 का, दूसरा फ्री में लेता है तो फिर उसको उस हिसाब से मार्केटिंग कर लें, समझ रहे, जितना मर्जी $5 का लें जैसे मर्जी करें, बस एक ऑर्डर लें ताकि वो थोड़ा पता चले कि कुछ काम शुरू हुआ है। इसी तरह वीजियो का गिग भी बनाना है, ये आपका आपने वीजियो का लहदा से खुद बनाना है, ठीक है, और आगे अगर हमने वीजियो जल्दी हो गया तो हमने स्केचअप 3D वो भी करेंगे, अगर वो किया तो फिर उसका गिग बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये दो ही मेरे ख्याल चलेंगे हमारे, चले ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम ये करते हैं कि इसको करते हैं स्टॉप।